देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया विश्वविद्यालय में पहले और तीसरे सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन का चालान कटाना छात्रों के लिए जी का जंजाल बन गया है। विश्वविद्यालय द्वारा चालान कराने के लिए सिर्फ एक ही बैंक को अधिकृत किया गया है, जो पूर्णिया कॉलेज परिसर अंतर्गत सेंट्रल बैंक है। चालान के लिए महज दो दिनों का समय मिला है, 6 और 7 जनवरी 2020, जबकि छात्रों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। पूर्णिया कॉलेज स्थित सेंट्रल बैंक में छात्र छात्राओं की भीड़ देखकर व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। बैंक के अंदर और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि छात्र छात्राएं एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। बैंक के टेबल पर छात्राएं चढ़कर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, तो छात्र एक दूसरे पर ऐसे चिपके हैं कि बीच से चींटी तक भी न निकल पाए। इस बीच पुलिस के एक जवान बैंक के बीचों बीच टेबल पर खड़े होकर छात्र छात्राओं को कतारबद्ध खड़े होने का आदेश देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पत्रकारों को अंदर जाने में आधे घंटे का समय लगा। छात्र छात्राओं से जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। छात्र छात्राओं की मांग है कि पहले ऑनलाइन तरीके से एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का काम होता था, जिसमें सहूलियत होती थी, लेकिन इस बार एक तो बैंक निर्धारित कर चालान कटवाया जा रहा है और सिर्फ दो दिनों का वक्त मिला है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन समय सीमा को बढ़ाए या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे। कितने बजे से आप लोग लाइन पे खड़े हैं? 11 बजे से। बैंक बंद होने का टाइम कितना है? 1 घंटे में बंद हो जाएगा। बाकी जो लोग खड़े हैं उनका नहीं होगा? आखिरी दिन कब है? लास्ट डेट कब है? ठीक है। कितने दिन का डेट दिया गया है चालान का? कितने बच्चे हैं? अच्छा, क्या सिर्फ इसी बैंक का अधिकार दिया गया है? क्या सिर्फ इसी बैंक में कहने के लिए कहा गया है? और पूर्णिया में किसी भी बैंक में नहीं है? ये आदेश किसकी तरफ से दिया गया है? HOD कौन से डिपार्टमेंट के? क्या हुआ बोलिए ना। अच्छा, पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप लोग? कितने बच्चे होंगे लगभग चालान कटवाने वाले? अच्छा, एक बात बताइए, इसके अलावा और कोई से बैंक ऑथराइज किया गया है? नहीं, सिर्फ इसी बैंक में करना है। तो इतने बच्चे दो दिनों में कैसे भरेंगे? कोई डिमांड आप लोगों ने की है छोटी सी या फिर कौन से ईयर का चल रहा है ये चलन? अच्छा, मैं कम है। कैसे होगा अगर कल तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या नामांकन वो रद्द हो जाएगा? ये मांग आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या सिर्फ दो ही दिन यहाँ पर दिया गया है, आज और कल? और बैंक के लिए एक ही आधिकारिक बैंक है यहाँ पर आप चालान कर रहे हैं? और ये सिर्फ सेंट्रल बैंक। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर जब चालान के लिए आज आए हैं और कल आएंगे? कितने छात्र छात्राएं हैं फर्स्ट 2000? ऐसे में कॉलेज की तरफ से कोई व्यवस्था या बंदोबस्त नहीं किया गया है? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है? कॉलेज की तरफ से कोई आया है?